HCL टेक्नोलॉजीज में हालिया रैंसमवेयर घटना ने इसके शेयर बाजार की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और यह घटना भारतीय संगठनों पर रैंसमवेयर हमलों के बढ़ते खतरे को दर्शाती है। दरअसल भारतीय आईटी सेवा प्रदाता HCL टेक्नोलॉजीज ने अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट में साझा किया कि वह प्रतिबंधित क्लाउड वातावरण में रैंसमवेयर घटना से प्रभावित हुई थी। हमले के बाद कंपनी ने कहा कि समग्र HCL टेक नेटवर्क पर कोई अवलोकन योग्य प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि हमले की खबर ने शेयर बाजार के बारे में कंपनी की धारणा को प्रभावित किया, जिससे इसके शेयर की कीमतों में गिरावट आई। HCL पर रैंसमवेयर हमले के बारे में। HCL टेक एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल क्षेत्र में समाधान प्रदान करती है, जिसमें एंड टू एंड डिजिटल पेशकश, क्लाउड आधारित समाधान और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। HCL कंपनी भारत में शीर्ष सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाताओं में से एक है। कंपनी ने अपनी तिमाही आय रिपोर्ट में साझा किया कि वह एक अलग क्लाउड वातावरण में रैंसमवेयर घटना की चपेट में आ गई थी। हालांकि कंपनी ने हमले के विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया। मूल कारण का आकलन करने के लिए संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक विस्तृत जांच शुरू की गई। आइए जानते हैं क्या है रैंसमवेयर हमला। रैंसमवेयर एक जबरन वसूली सॉफ्टवेयर है जिसे सिस्टम पर किसी डिवाइस या डेटा को लॉक या एनक्रिप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और फिर इसे जारी करने के लिए फिरौती की मांग की जाती है। ये हमले एक सरल योजना का पालन करते हैं जिसमें हमलावर किसी डिवाइस या क्लाउड में संरक्षित डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। रैंसमवेयर की प्रकृति के आधार पर यह डिवाइस क्लाउड में संग्रहित डेटा या किसी संगठन के संपूर्ण आंतरिक नेटवर्क को लॉक या एनक्रिप्ट कर देता है। फिर हमलावर आमतौर पर एक संदेश छोड़ते हैं जिसमें फिरौती की रकम, हस्तांतरण के तरीके या आगे के मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करने के निर्देशों के बारे में निर्देश होते हैं। इंटरपोल की पहली ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के बाद रैंसमवेयर 66% के साथ दूसरा सबसे बड़ा खतरा था। इसके सबसे ज्यादा 72% बढ़ने की भी उम्मीद है। रैंसमवेयर हमले चिंता का विषय क्यों है? दरअसल भारतीय संगठन तेजी से रैंसमवेयर हमलों का निशाना बन रहे हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी सोफोस द्वारा किए गए 2023 के एक अध्ययन से पता चला है 73% संगठनों ने रैंसमवेयर हमलों का शिकार होने की सूचना दी है, जो पिछले वर्ष 57% से अधिक है। इनमें से 77% संगठनों ने बताया कि हमलावर डेटा को एनक्रिप्ट करने में सफल रहे तथा 44% ने अपने डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए फिरौती का भुगतान किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% से महत्वपूर्ण गिरावट है। हालांकि फिरौती का भुगतान करने के बावजूद कंपनियों ने उन संगठनों की तुलना में धमकी देने वाले हमलावरों द्वारा लॉक किए गए डेटा की वसूली की लागत दोगुनी कर दी जिन्होंने फिरौती का भुगतान नहीं किया और बैकअप पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-ENE द्वारा जारी भारतीय रैंसमवेयर रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली छमाही में रैंसमवेयर घटनाओं में 51% की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें से अधिकांश हमलों में देश के डेटा सेंटर और आईटी सेक्टर को निशाना बनाया गया। रैंसमवेयर हमलावर आईटी संगठनों को क्यों निशाना बनाते हैं? रैंसमवेयर हमलावर अपने हमलों को अपना मूल्यवान डेटा रखने वाले संगठनों पर केंद्रित करते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठन और उसके हितधारकों के लिए डेटा का मूल्य जितना अधिक होगा, फिरौती का भुगतान किए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आईटी संगठन और सॉफ्टवेयर विक्रेता बहुत सारा मूल्यवान डेटा रखते हैं, जिसमें बौद्धिक संपदा जैसी संवेदनशील जानकारी भी शामिल है। यदि यह संवेदनशील जानकारी रैंसमवेयर हमलावरों द्वारा लीक कर दी जाती है तो इससे कंपनी के मूल्य और सॉफ्टवेयर की प्रतिकृति में गिरावट आ सकती है, कंपनी का अवमूल्यन हो सकता है और इसके राजस्व प्रवाह को खतरा हो सकता है, जिससे वे साइबर अपराधियों के लिए एक मूल्यवान लक्ष्य बन सकते हैं। क्लाउड सुरक्षा और डेटा समाधान प्रदान करने वाले आईटी संगठन भी अपने ग्राहकों के लिए डेटा के बड़े भंडार रखते हैं। उन पर सफल हमले संभावित रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं को
लक्षित करने के लिए चैनल खोल सकते हैं, जिससे कंपनियों पर फिरौती का भुगतान करने का दबाव बढ़ जाएगा। आईटी संगठनों द्वारा रखे गए डेटा में ग्राहकों के उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य डेटा, बौद्धिक संपदा, एक्सेस क्रेडेंशियल और यहां तक कि वित्तीय जानकारी भी शामिल हो सकती है। आगे के हमले शुरू करने के लिए इस डेटा का लाभ उठाया जा सकता है। आईटी संगठन भी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और खुली वास्तुकला के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले पहले लोगों में से हैं, जिनमें साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा के उच्चतम स्तर नहीं हो सकते हैं, जिससे वे साइबर अपराधियों का लक्ष्य बन जाते हैं। अन्य किन भारतीय संगठनों को रैंसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा? इस साल की शुरुआत में नवंबर में इंफोसिस की एक यूएस आधारित सहायक कंपनी को कथित तौर पर रैंसमवेयर हमले का निशाना बनाया गया था। उस समय इंफोसिस मैकेमिस सिस्टम्स को रैंसमवेयर संस्करण से जुड़ी एक घटना का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी ने हमले का विवरण साझा नहीं किया, यह कहते हुए कि व्यापक जांच के बाद आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी। मार्च में भारतीय दवा निर्माता कंपनी सनफार्मा पर साइबर हमला हुआ था। एक रैंसमवेयर समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली, जिससे नुकसान को कम करने के लिए लागू किए गए रोकथाम उपायों के कारण कंपनी के राजस्व पर असर पड़ा। नवंबर 2022 में एक रैंसमवेयर हमले ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को कई दिनों तक ठप कर दिया। कथित तौर पर हैकर्स ने अस्पताल से क्रिप्टोकरेंसी में 200 करोड़ की मांग की और अभी हाल ही में 20 दिसंबर को HCL टेक्नोलॉजीज रैंसमवेयर घटना से प्रभावित हुई। हमले के बाद कंपनी ने कहा कि समग्र HCL टेक नेटवर्क पर कोई अवलोकन योग्य प्रभाव नहीं पड़ा। अब जानते हैं कि रैंसमवेयर हमलों से कैसे बचा जा सकता है। रैंसमवेयर हमलों से बचाव हेतु सर्ट इन द्वारा कुछ अनुशंसित सर्वोत्तम उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। एनक्रिप्टेड रूप में महत्वपूर्ण फाइलों का ऑफलाइन डेटाबेस बनाए रखें। सभी खातों में मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड, एक खाता लॉकआउट नीति और सभी सेवाओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। केवल व्यवस्थापक मशीनों के सीमित सेट से सर्वर संदेश ब्लॉक के माध्यम से ऐसे शेयरों से कनेक्शन की अनुमति देने के लिए एक होस्ट आधारित फायरवॉल स्थापित किया जाना चाहिए। भारत में साइबर हमलों से कैसे निपटा जाता है? भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन टीम CRTIN, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है CRTIN, जनवरी 2004 से परिचालन में है। सर्टिन एक भारतीय साइबर समुदाय है। सर्टिन को निम्नलिखित कार्य करने के लिए नामित किया गया है: साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट देना, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करना, साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करना, सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा निर्देश, सलाह, भेद्यता नोट और श्वेत पत्र जारी करना तथा कंप्यूटर सिस्टम प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक साइबर सुरक्षा मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए की गई है। साइबर स्वच्छता केंद्र, यह एक बोटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है, जिसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, यह मौजूदा और संभावित खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर काम करता है।